कैसा रे बिड़ो मजामा? वीर लहरों को खामोश देखकर यह न समझना कि समंदर की लहरें घुल हो गई। बिड़ो हम जब भी उठेंगे साला तूफान बनकर उठेंगे, बस उठने की अभी ठानी ना है। बिड़ो ये डायलॉग अपुन को क्या सूट करेगा, मगर पंजाब में एक रावस बंदा हो गया उसको टकाटक जसता है। उसका दिमाग बोले तो आग का गोला, जिगरा 56 इंच चौड़ा, मत्थे पे पगड़ी बोले तो बागी सरदार। पंजाब का तूफान धचुकराज सिंह, पंजाब का एक ऐसा सरदार जिसने 13 साल की उम्र में हथियार उठाए ले। पंजाब का एक ऐसा सरदार जिसका 19 साल की उम्र में एनकाउंटर कर दिया गया, वहीं पंजाब के लोगों ने उसे शहीद कहा। जिस उम्र में चिल्लर पार्टी को मौज मस्ती करनी होती है, वही उम्र में इस बागी सरदार ने अक्की सरकार को हिला डाला था। जिसकी मौत पर 4 लाख लोग श्रद्धांजलि देने आए ले, ये कोई मामूली बंदा न था। आज भी पंजाब में अक्की सिख बिरादरी जुगराज सिंह को याद करती है। तो भाई लोग, जुगराज सिंह तूफान की अक्की महाभारत माई सुना डालेगा तो दिल धाम के बैठनेगा। बीड़ू पंजाब बोले तो भारत की 5 महान नदियों का संगम। वो इस धरती पर 1971 में चिम्मा खुदी गाँव में जुगराज सिंह का जन्म हुआ। पिता महेंद्र सिंह किसान थे। 4 बेटियों के बीच एक चिराग ने जन्म लिया तो उनकी खुशियों का ठिकाना न रहा। सरदार महेंद्र सिंह के दादा पान सिंह अपने जमाने में एकदम ही रावस निशानेबाज थे, जिस वास्ते अक्के पिंड में इस सरदार घराने की इज्जत भी बहुत ही थी। दूसरी ओर जुगराज सिंह धीरे धीरे बड़े हो गए ले, कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में द लेजेंड सरदार भगत सिंह वाला एटीट्यूड था, जो आगे चलकर अक्के पंजाब में भौगाल मचाने वाला था। 1984 पंजाब के अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, जिसके बाद सिख दंगे हुए ले। अक्की सिख बिरादरी सड़कों पे उतर आएली, तत्कालीन सरकार के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला उठी। वो इस टाइम पे महज 13 साल के जुगराज सिंह के दिल में बदले की ज्वाला सुलगी। अब जुगराज सिंह ने भी कसम खाया ली, वाट लगा के रख डालूंगा। भाई लोग, ये वहां समय था जब सिख दंगों के दौरान उत्पीड़न और अत्याचार से पीड़ित परिवार पंजाब छोड़कर जा रहे थे। तब जुगराज सिंह ने इन डरे हुए लाचार बेबस परिवारों को वादा किया कि तुम्हारी आन बान और सुरक्षा की गारंटी मैं लेगा। इस तरह लोगों को पलायन करने से रोका। कहा जाता है कि जुगराज सिंह ने कई हिंदू बेटियों की इज्जत भी बचाई। इसी दंगों के दौरान बहुत सारे ऐसे यंग सरदार भी थे जिन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया तो सरकार उसे जेल में डाल देती। वीरे कुछ सही था तो कुछ गलत भी। एनीवे जुगराज सिंह को गिरफ्तार कर नाभा जेल भेज दिया गया, जहां उनकी सेटिंग हुई मनबीर सिंह चाहेरू और बलदेव सिंह गुमान से। इन दोनों ने जुगराज सिंह से कहा कि तुम अभी छोटे हो और अपने परिवार के एक लौते बेटे हो, इस वास्ते इस लड़ाई में आने की बजाय अपने घर पे रहो। मगर तूफान सिंह ने भी कसम खा ली थी। वे भी अलहड़ थे, जवान थे, गर्म खून था। अब पीछे हटना उसकी फितरत ना थी। 1987 में जुगराज सिंह तूफान का सेटिंग हुए ला खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के प्रमुख अवतार सिंह ब्रह्मा से। अब तूफान सिंह अवतार सिंह ब्रह्मा के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने लगे। इसी बीच तूफान सिंह ने पंजाब पुलिस के अफसर गोविंद राम की हत्या कर दिए। इस कांड ने तूफान सिंह को सिख बिरादरी का हीरो बना डाला। दूसरी ओर अक्की सरकार तूफान सिंह के पीछे लग गए, मगर ये बागी सरदार कम उम्र की लकीर खिंचवा कर आए ले। 8 अप्रैल 1994 पंजाब पुलिस को तूफान सिंह के ठिकाने की मुखबिरी मिली। एक बड़ा काबिला तूफान सिंह से टक्कर लेने निकल पड़ा, जिसके चलते हरगोविंदपुर के पास एक गांव में पुलिस और तूफान सिंह के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई और तूफान सिंह मारे गए। जब ये बात धुएं की तरह अक्के पंजाब में फैलने लगी तो अक्की सिख बिरादरी तूफान सिंह को श्रद्धांजलि देने निकल पड़ी। कहा जाता है कि उस दिन तूफान सिंह की अंतिम यात्रा में 4 लाख लोग इकट्ठा हुए ले। उस टाइम की सरकार ने जिसे आतंकी कहा, मगर सिख समुदाय के लोग उसे आज भी हीरो मानते हैं, शहीद मानते हैं। बीड़ो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे जज करना सही नहीं होता। इस वास्ते अपन किसी को सही या गलत का ज्ञान नहीं दे रहे ला। सच्चाई जो भी हो राम जाने। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं अभी।